कि बल्क में मेकिंग देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो समोसों के लिए हमारे यहाँ पे क्वांटिटी में आलू आ चुके हैं, अभी इनको कंटेनर में निकाल लिया जाएगा। बटाटा छिलने के लिए मशीन में डाल रहे हैं, 5 मिनट में सारे छिल करके रेडी हो जाएगा। तो एक एक करके देखो, तो यहाँ पे आलू डाले जा रहे हैं, इसकी अच्छे से यहाँ पे सफाई कर ली जाएगी और उसको अच्छे से छील लिया जाएगा। बटाटा छिल करके रेडी है सर, उसको बाहर निकालेंगे बॉइल होने के लिए। एक एक करके देखो कितने सारे यहाँ पे आलू निकल रहे हैं, अच्छे से साफ हो चुके हैं ये। तो आलू छिलने के बाद हमारा रेडी हो गया, उसके बाद एक एक आलू को चेक किया जाएगा, कोई अंदर से डैमेज खराब तो नहीं है इसका। और डैमेज होता तो उसको रिजेक्ट कर देते, साइड में निकाल देते। सर बटाटा छिलने के बाद रेडी है, अभी बॉईल होने के लिए डालेंगे बॉयलर में। तो देखो तो कितने ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आलू डाला जा रहा है एकदम बॉयल करने के लिए। तो 15 से 20 किलो इसमें आलू डाल चुका है। सर जैसा कि आपने अभी देखा, बटाटा छिलने के बाद चेकिंग हुआ करके, उसके बाद बॉयलर में डाले, अब उसके बाद इसको बॉइल होने के लिए रखेंगे। सर जैसा हमने आपको बताया था, पूरे 1 घंटे बाद ये बटाटा बॉइल होकर रेडी हो जाएगा। सो 1 घंटे हो गए हैं और हमारा बटाटा आप देख सकते हैं पूरा बॉइल होकर के रेडी हो गया है। आप स्टीम देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पे स्टीम निकल रहा है, एकदम बटाटा अच्छे से बॉइल हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। और कंटेनर का साइज देख सकते हो भैया, कितने आलू होंगे इसमें? इसमें होगा 100 किलो आलू है। तो देख सकते हो क्वांटिटी, आप चेक कर सकते हो 100 किलो इसमें आलू है। बाल्टी में 15 किलो आलू निकाल जाएंगे और एकदम मेजर करके कंटेनर में डाला जाएगा। तो एक एक करके यहाँ पे आलू निकाला जा रहा है, 15 किलो आलू इस बाल्टी में निकाला जाएगा एक साथ। तो 100 किलो आलू इन्होंने उबाल दिए। तो 15 किलो हमारे आलू उबल चुके हैं, अब इसको मशीन में डाला जाएगा। तो 30 किलो आलू इसमें डाल दिए गए मशीन के अंदर। तो समोसा बनाने के लिए यहाँ पे मसाला डाला जा रहा है, तो यहाँ पे मूंगफली डाली जा रही है इसमें। तो अब नेक्स्ट इसमें डालने जा रहा है धनिया, तो हरा धनिया इसमें डल चुका है। तो मशीन को यहाँ पे चला लिया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मशीन में अच्छे से मसाले को मिक्स किया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से मसाले को मिक्स किया जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ है उसको सेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो एकदम बल्क क्वांटिटी में समोसा की मेकिंग चल रही है और इसका मसाला रेडी किया जा रहा है। समोसे का मसाला रेडी हो गया, अच्छे से मिल गया है। तो आलू का मसाला देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है और ये रेडी हो चुका है, अब इसको कंटेनर में निकाल लिया जाएगा। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में यहाँ पे हमारा आलू का मसाला निकाला जा रहा है, अच्छे से सारा मसाला मिक्स हो चुका है। और अब इनके बनाए जाएंगे गर्मा गर्म समोसे। तो देख सकते हो फैक्ट्री लेवल पे समोसे कैसे बनाए जाते हैं, कितने बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं। तो भैया क्या प्रोसेस होने जा रहा है? ये मैदा है डालने जा रहे हैं, 15 किलो मैदे का आटा लगाएंगे। अच्छा, मैदे का आटा यहाँ पे लगने जा रहा है। इसको सर डालडा डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसके बाद पट्टी में समोसे के लिए पट्टी बनाएंगे, रेडी करेंगे। सर ये डालने जा रहे हैं नमक भी। तो नमक डाल दिया गया है इसमें। अजवाइन डालने जा रहे हैं। तो अजवाइन यहाँ पे डल चुका है। हाँ डल चुका है अजवाइन। अब जा रहा है चालू कर दे, चालू हो गया। यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हाँ स्टार्ट हो चुकी है। हाँ और इसमें ऑयल डाल दिया जाएगा, 2.5 लीटर ऑयल पड़ता है। ये हमारा घी पड़ के तैयार हो, अब जा रहा है इसमें पानी डालने। पानी डाला जाएगा इसमें। तो कितना टाइम लगता है इसको रेडी होने में? इसको रेडी होने में करीबन 10 मिनट का समय लगता है। 10 मिनट लगते हैं। हाँ तो हमारा यहाँ पे जैसे 15 किलो का डो रेडी किया जाएगा और वो भी 10 मिनट के अंदर। तो देख सकते हो आप मैदा अच्छे से मिक्स हो रहा है। हाँ अच्छे से मिक्स हो रहा है मैदा, आटा लग के रेडी हो चुका है, अब जा रहा है गोली करने। ये बन रहा है गोली हमारा। तो यहाँ पे अभी गोली बना के इसको रेडी किया जा रहा है। हाँ रेडी किया जा रहा है अभी। तो पूरा दिन भाई ऐसे बनते रहते हैं यहाँ पे? हाँ ऐसे ही बनता रहता पूरा दिन। पूरा दिन यहाँ पे ऐसे ही समोसे बनते रहते हैं, ऐसे ही काम चालू रहता है पूरा दिन। कितने समोसे बन जाते हैं दिन के? दिन के करीबन 3-4 हजार। 3-4 हजार बन जाते हैं। हाँ अभी हम जा रहे हैं पट्टी लाटने। पट्टी बनाने का स्टाइल देख सकते हैं यहाँ पे, एकदम फटाफट पट्टी बनाई जा रही है। 1 से 2 सेकंड में यहाँ पे पट्टी रेडी की जा रही है। अभी इधर से डालेंगे ये हमारी पट्टी। यहाँ पे पट्टी और एकदम बड़ी पट्टी बन चुकी है और ये बन के हमारी तैयार हो गई पट्टी। अभी जा रहा है इसको कटिंग करने। ये सांचा है, इसके नाप का भी पट्टी काटेंगे हम। तो एकदम स्टैंडर्ड साइज रहता है इनका? हाँ स्टैंडर्ड साइज रहता है, एकदम बराबर रहता है। तो स्टैंडर्ड साइज में यहाँ पे समोसा बनाए जाते हैं, अच्छे से कटिंग की जाती है। अच्छे से कटिंग की जाती है। अब ये जा रहे हैं कटिंग करने। ये बन के तैयार हो गई हमारी पट्टी।
तो देख सकते हो कितनी सारी पट्टी एक साथ लग के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अभी जा रहे हैं देने, समोसा भरेंगे। जैसा आपने देखा कि अभी पट्टी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक्चुअल समोसे का फिलअप होता है। तो समोसे का मसाला यहाँ पे रेडी कर लिया गया है, इसके अंदर की फिलिंग होगी। तो एक एक करके यहाँ पे देख सकते हो समोसों की फिलिंग चल रही है, फटाफट समोसे बनाए जा रहे हैं। एक प्लेट में कितने समोसे आते हैं यहाँ पे? पूरे 50 समोसे आते हैं। 50 समोसे आते हैं। तो पूरा दिन ऐसे बनते रहते हैं समोसे यहाँ पे? हाँ सर, कंटिन्यू काम चालू रहता है। तो देखो तो फैक्ट्री लेवल पे समोसे कैसे बनाए जाते हैं, तो फटाफट काम चलता है। सर ये पूरे 50 समोसे का ट्रे भर करके कंप्लीट हो चुका है, अभी ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। समोसे देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब इनको फ्राई करने के लिए लेके जाया जाएगा। जब सेविंग्स कम हो और सपने बड़े हैं, तो अब इसमें से ऑयल कढ़ाई में डाला जाएगा। तो पूरा देख सकते हो यहाँ पे कढ़ाई में तेल डल चुका है। अब मशीन में यहाँ पे टेम्परेचर सेट किया जाएगा और एक फिक्स टेम्परेचर पे समोसों को यहाँ पे पकाया जाएगा। तो बल्क में देख सकते हमारे यहाँ पे समोसे की ट्रे आ चुकी है, अब यहाँ पे समोसे को अच्छे से कढ़ाई में फ्राई कर लिया जाएगा। तो अभी 100 समोसे एक साथ यहाँ पे कढ़ाई में लगने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है और अब इसमें समोसे डाले जाएंगे। तो एक एक करके यहाँ पे फ्रेश ऑयल में यहाँ पे समोसे डाले जा रहे हैं। तो एक साथ यहाँ पे 100 समोसे बनाए जाएंगे। तो हमारे 100 समोसे यहाँ पे एक साथ डाल दिए गए हैं, अब इनको अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया जाएगा। तो भैया समोसा फ्राई होने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 15 मिनट। तो 15 मिनट के अंदर ये 100 समोसे यहाँ पे लग के रेडी हो जाएंगे। तो फाइनली देख सकते हो समोसों का कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। तो समोसों को यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, 5 मिनट इसको और चलाया जाएगा, फिर इसको निकाल लिया जाएगा। तो फाइनली हमारे यहाँ पे समोसे लग के रेडी हो चुके हैं, अब इनको कढ़ाई से निकाल लिया जाएगा, एकदम फ्रेश समोसे, गर्मा गर्म समोसे। तो समोसे यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, उसके बाद दुकानों में जाके डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो ट्रे में रखा जा रहा है जिसमें जाली लगी हुई है, और जो भी इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो इसको निकल के नीचे आ जाता है। तो 100 समोसों की ट्रे यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो फाइनली हमारे यहाँ पे समोसे लग के रेडी हो चुके हैं, एक एक करके अब इसकी पैकिंग कर ली जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट समोसे लगते रहते हैं, ऑर्डर चलता रहता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक साथ 250 समोसों के ऑर्डर आते हैं, एकदम फटाफट पेटी में पैक करके इनको सर्व किया जाता है। तो फाइनली मुंबई के फेमस सिटी समोसा का यहाँ पे समोसा लग चुका है, और देख सकते हो सिंपल समोसा रहता है इनका, और साथ में रहती है हरी मिर्ची जो कि फ्राई की रहती है। साथ में आपकी मर्जी, आपको जो चटनी खानी है वो उसमें लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चटनी डाल देता हूँ। तो ये रहती है इनकी चने की दाल की चटनी, और ये आगे इनकी रेड चटनी जो कि थोड़ी मीठी रहती है। तो